दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY मास्क। तो सबसे पहले उसके लिए एक A4 साइज़ का पेपर ले लेना है और उसमें से 10x6 इंचेस का या फिर 26x16 सेंटीमीटर का मेजरमेंट काट लेना है। अब इसको पेपर को फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इसको एक मास्क का शेप देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कर्वेचर लगा दिया है मैंने इस तरह से और ये मास्क का शेप आ गया है। तो अब इसे हम काट लेंगे और इस पेपर की हेल्प से हम मास्क के कटिंग्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्लाउज पीसेस लिए हैं जो कि पड़े हुए थे और ये कॉटन के हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। बस इस पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से ये रिजेक्ट हो गए थे। तो इसी में से मैंने 10x6 इंचेस का मेजरमेंट लेके मैंने काट लिए है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे 5 लेयर मास्क बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लेयर्स एक साथ ले ली है इस तरह से। अब जिस तरह से पेपर फोल्ड किया था उसी तरह से मैं यहाँ पे इस कपड़े के पीसेस को फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। और फिर हमने जो कटिंग बनाया है उसी को इसके ऊपर रख के मैं इसे एक मास्क का शेप दे रही हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको दोनों से खोल दिया है और ये बीच वाला जो पोर्शन है उसे भी काट लेना है, तो मैं उसे भी अच्छे से काट लूँगी। तो देखिए टोटल 5 लेयर्स है, तो उसमें से मैं यहाँ पे दो दो लेयर और 3 लेयर ऐसे पार्ट्स बना लूँगी। तो 2 लेयर के लिए 4 पीसेस चाहिए और 3 लेयर के लिए 6 पीसेस चाहिए, तो इसी तरह से मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये जो बीच में कर्वेचर है वहाँ से सिलाई कर लेना है। ये तो बन गया बेसिक कटिंग मास्क का। अब मेरे पास कुछ हेयर बैंड्स है जिसमें से कि वो कान में हैंग करने के लिए उसका इलास्टिक बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वेस्ट पड़े हुए हेयर बैंड्स लेके एक हेयर बैंड के 2 इलास्टिक बना लिए मैंने। तो यहाँ ऐसे बीच में से काट के 2 इलास्टिक बैंड्स बना लिए। बस इसको बीच में से भी कट कर लूँगी। तो ये बन गए इलास्टिक्स। तो जो मास्क की कटिंग्स थी उसमें जो कर्वेचर था वहाँ पे सिलाई कर लिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये 5 लेयर मास्क है, तो इसको मैंने 3 लेयर और 2 लेयर इस तरह से डिवाइड किया है और ये 3 लेयर वाला है जिसमें कि 6 पीसेज आते हैं। तो उसको ऐसे खोल लेना है और ये वाला जो है वो 2 लेयर वाला है, तो इसको भी खोल लेना है। और इसको दोनों को एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर लेना है। जो 2 साइड्स है ऊपर वाली और नीचे वाली वहाँ पे सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अच्छे से सिलाई कर लेनी है और ध्यान रहे कि इसका शेप डिस्टर्ब ना हो। तो अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हमें करना है इसका इलास्टिक लगाने का काम। तो यहाँ पर जो वाइट वाली थी वो मैंने सिलेक्ट की है तो अब मैं इस तरह से यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे साइड्स जो है उसे थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है
तरफ से भी करना है। पूरा अच्छे से फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पे स्टिच कर देना है, सिलाई लगा लेनी है, और पूरे मास्क में बाहर की तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी फाइनल हो जाने के बाद कैसे लग रहा है। ये बाहर की तरफ से अच्छे से सिलाई कर लेनी है, और ये हो गया मास्क रेडी। तो घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों से आप एक DIY मास्क बना सकते हैं। तो अभी कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो इसी तरह घर पर मास्क बनाएं और पहनें।